कहा लिटरली मैं सुबह जब मैं सो के उठा तो भाई लावा गॉड ने पूरे लॉस सेंटोस को स्टाक मेंशन में इनविटेशन दिया है और मुझे भी इनविटेशन आया है भाई देखिए यहाँ पर लावा गॉड जो है वो इतना छोटा कैसे हो गया मतलब पहले तो ये बहुत बड़ा हुआ करता था देखते हैं भाई लावा गॉड ने यहाँ पे सबको क्यों बुलाया वैसे मुझे आने में तो कुछ ज्यादा लेट हो गई एक मिनट यहाँ पर ये यह रेड हल्क अवेंजर्स के साथ ही खड़ा है बाकी सब यूमर्स तो इधर हैं भाई और ब्लैक फ्रेंकलिन भी है भाई अरे चल क्या रहा है यहाँ पर और ये क्या अरे ये तो कोई एलिमेंटल बॉक्स लग रहे हैं बट इन पे किसी का चेहरा नहीं बना मतलब यहाँ पे बस ये वाइट बॉक्स है और रेड टाइप का क्वेश्चन मार्क है मुझे नहीं पता इसमें क्या होगा मेरे भाई और बहनों मैंने तुम सभी को इसलिए बुलाया है आई थिंक लावा लावाट कुछ बता रहा है मुझे भी सुनना चाहिए भाई मेरे पास अब मेरी ताकतें नहीं रही मेरी सारी ताकत इन तीनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स में छुप गई है असल में इन तीनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स में तुम सभी को मैजिकल बॉक्स मिलेगा अरे वाह भैया मैजिकल बॉक्स अरे वाह भाई इसलिए सभी इंसानों में से कोई तीन मिलकर एक एक बॉक्स फोड़िए किसी एक बॉक्स

Guys, वैसे तो मैं भी चाहता बॉक्स फोड़ना पर मुझे नहीं लगता ये मुझे फोड़ने देंगे खैर देखते हैं भाई मैजिकल वॉच किसको मिलेगी हल्को मिलेगी या फिर नहीं हल्क ने फोड़ा एक मिनट हल्क ने सच में बॉक्स फोड़ दिया भाई पर हल्को कुछ नहीं मिला अरे हल्को तो कुछ नहीं मिला आ, हल्क रो जाएगा अरे हल्क को तो कुछ नहीं मिला अरे भाई हल्क जा साइड में से, अब तुझे कुछ नहीं मिला हल्का उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, तो भी मिलेगा। हल्क के साथ क्या हुआ बॉक्स में से ब्लास्ट हुआ और भाई हल्क की बैंड ही बच गई को पसंद नहीं है ये एलिमेंटल बॉक्स को मैजिकल वॉच चाहिए हल्क यहाँ पर लावा गॉड बनेगा उसकी सारी पावर्स यूज करेगा अरे भाई पावर्स तो मैं यूज करूंगा लावा गॉड की और देखूं मेरे से वो कैसी वॉच है सिर्फ पावर यूज कर सकते हैं लावा गॉड की कोई भी फॉर्म ले सकते हैं आई थिंक बीच वाला बॉक्स सबसे स्पेशल है मैं तो इसको ही फोड़ता हूँ आप लोग जल्दी से वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब उम्मीद करो तीसरा वाला बॉक्स में निकले वॉच और उसको मैं फोड़ू ले भाई फोड़ दिया अरे चल गया मैं यार क्या हो गया अब दूसरे बॉक्स में भी मैजिकल वॉच नहीं है फिर तो पक्का तीसरे बॉक्स में मैजिकल वॉच है उसको तो मैं ही फोड़ूंगा नहीं एक बॉक्स को सिर्फ एक ही इंसान फोड़ सकता है दूसरा फोड़ोगे तो सजा मिलेगी अबे यार ये तो गड़बड़ हो गई और अब मैं सोच भी रहा हूँ तीसरे बॉक्स को फोड़ने की तो भाई मेरी तो बैंड ही बच गई और अच्छी बात है

तो भाई ये तो पूरी दुनिया का राजा बन जाएगा और सबकी बैंड बजा देगा नहीं, नहीं, नहीं। इसको तो गलती वॉच नहीं मिलनी चाहिए, चाहिए वॉच मिले, ना मिले मैं तुझे नहीं लेने दूंगा तू दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है ये ले। सही भाई टोनीस्टॉको पीट यहां पर स्पाइडरमैन लेगा या फिर लेगा अवेंट भाई मेरे को लेने दे फ्रैंकलिन दूर खड़ा रहे तू भाई तू नहीं लेगा टोनी को देख अरे मैं ले लेता हूँ वॉच मुझ में क्या बुराई है टोनी के बच्चे चल निकल यहाँ से <laughs> ले और अब मुझे लेना दे ब्लैक फ्रैंकलिन वॉच अरे नहीं ये लो ये लो मैं किसी को वॉच नहीं लेने दूंगा एलिमेंटल बॉक्स में फोड़ूंगा और लावा गॉड की मैजिकल वॉच भी मैं पहनूंगा देखूंगा उस मैजिकल वॉच से मैं क्या सच में लावा गॉड बन सकता हूँ फिर तो मैं लावा गॉड को भी मार दूंगा भाई साहब ये सब क्या हो रहा है भाई एवेंजर्स को तो छोड़ो भाई यहाँ पर रेड और ब्लैक फ्रैंकलिन भी लड़ रहे हैं एक दूसरे से क्योंकि इन सभी को मैजिकल वॉच चाहिए भाई लावा गॉड की मेरे

मेरे हाथ में सब कुछ है और ये सच में कुछ है भाई अबे फ्रैंकलिन ये क्या तुझे वॉच कैसे मिल गई लावा गॉड की सच में भाई ये तो लावा से बनी वॉच है और इस पे फोटो भी लावा गॉड का लगा पड़ा है लेट्स गो गाइस आप सभी को याद होगा जैसे अवेंजर्स की एक वॉच थी जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी अवेंजर का रूप ले सकते थे क्या पता मैं भी यहां पर लावा गॉड की अलग-अलग फॉर्म का रूप ले पाऊं मजा आ जाएगा अबे यार

बट मुझे नहीं लगता ये टाइटन लावा गॉड का सूट है मुझे तो ये आई थिंक लावा गॉड का सूट लग रहा है खैर एक बार इस पर क्लिक करके देखते हैं ये क्या हमने क्लिक अरे, Guys, मैं तो यार लावा तो बना बट छोटा वाला बना अब एक मिनट फ्रैंकलिन ये क्या बन गया तू तो भाई अब इतना सा लावा कॉर्ड बना है भाई अरे देखो भाई इसको अरे ही 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 ही। देखो देखो फ्रैंकलिन को कितना सा लावा गॉड बनाया बल्ले बल्ले अरे फ्रैंकलिन के बस की नहीं है इस वॉच को यूज करना फ्रैंकलिन मुझे दे, दे वॉच मैं टाइटन लावा बन के दिखाऊंगा ये तो कुछ ज्यादा ही रहा है मेरे पर मेरे हिसाब से I think हम इसमें और भी सूट्स कर सकते हैं। अरे बिल्कुल, इसमें छोटे से लेकर बड़े तक टाइटन तक, टाइटन तुम यहाँ पर लावा बन सकते हो वॉ लावा गॉड बोल रहा है भाई कि हम यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ा लावा गोट आराम से बन सकते हैं अब यार, से वो किसी भी हालत में फ्रैंकलिन वो वॉच अब मत यूज करना और सूट है भाई ये तो कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे देखिए I think guys, अभी समय आ गया इसको अनलॉक करने का चलो जल्दी से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जल्दी से वही सूट को पहन लेता हूँ कुछ भी हो जाए मैं फ्रैंकलिन के बच्चे किसी भी हालत में मेरे को दे दे लावा गॉड नया मैं बनूंगा भाई वैसे भी लावा गॉड रियल वाला तो छोटा सा रह गया अब मेरे को चाहिए ये वॉच ले ले तोड़ दूंगा इस वॉच को निकाल तेरे हाथ में से नहीं प्लीज लाइक करो और चैनल मेरे से मेरी वॉच छीन लेगा भाई मैं कुछ भी हो जाए इस वॉच को नहीं दूंगा चाहे मेरा हाथ न रहे मेरे पास पर वॉच मेरे पास जरूर रहेगी एंकलिन ये वॉच हट क्यों नहीं रही है तेरे हाथ में से एक मिनट नहीं ये क्या हो गया मेरी वॉच में से भाई साहब ये चिंगारिया क्यों निकल रही हैं अरे नहीं लगता है वॉच खराब हो गई है नहीं टोनी के बच्चे ये तेरी वजह से हुआ है साहब मेरी वजह से क्या हुआ है यहाँ पर वॉच तू मेरे को दे नहीं रहा था तुम्हें अच्छा हुआ खराब ही हो गई अब कोई भी इस वॉच को यूज नहीं कर पाएगा कुछ भी हो जाए इस वॉच को तो मैं ठीक करके रहूंगा और देखना मैं यूज भी करूंगा और दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन लावा लावाकोट का सूट भी अनलॉक करूंगा इस वॉच के अंदर से तेरे वाजे नहीं तो छोटा वाला लावा लावाकोट का सूट ही है वो यूज कर पाएगा गाइज और बापरे अगर ये वॉच ठीक नहीं हुई तो ओ नो नहीं ऐसा नहीं चाहिए

yeah

पोर्टल का इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली सन गॉड के पास पहुंच जाएंगे कम ऑन कम गाइस जल्दी फायर वाला ही मुझे स्पैम कीजिए इससे पहले कि अवेंजर्स पहुंच जाएं ओके okay, फाइनली हमने कर दिखाया गाइस देखिए सामने जो ये फायर वाला पोर्टल है ये मैंने ही भाई स्पॉन किया है अभी गाइस जैसे ही मैं इस पोर्टल के अंदर जाऊंगा जहां मेरी विश होगी जाने की मैं जा पाऊंगा मेरे पोर्टल मुझे जल्दी से सनगॉड के पास लेके चल जो की थोड़ी सी क्रैश लैंडिंग हो गई कोई नहीं गाइज बट फाइनली हम सही जगह पर लैंड कर गए देखिए सामने है हैन सनगॉड किसी भी हालत में मैं तेरा एलिमेंटल करके रहूंगा कसम मैं करूंगा गाइस सारे एवेंजर्स मुझसे पहले पहुंच गए भाई खैर कोई नहीं यहाँ पर अभी तक किसी ने अंडा फोड़ा नहीं है अंडा फोड़ो मुझे तो ये भी नहीं पता कि अंडा है कहाँ पर सनगॉट के हेड पर तो कोई भी एलिमेंटल एग नहीं है काइज शायद इसके मुँह के अरे बापरे काइज है एक एलिमेंटल एग है भाई ये रास्ते के अगर का इस, इस एलिमेंटल एग को मैं सन गॉड के मुंह के अंदर जाके फोड़ दूं तो यहाँ पर लावा गॉड का नया सूट अनलॉक हो जाएगा और उस वॉच को भी हम ठीक कर लेंगे फिर हम भाई शायद लावा गॉड की कोई भी फॉर्म ले पाएंगे लेकिन यार मुझे सबसे पहले अवेंजर्स का कुछ करना पड़ेगा ये पक्का मेरे काम में टांग अड़ाएंगे जिससे कि मैं यहाँ पर वो एलिमेंटल एग ना फोड़ पाऊँ सबसे पहले गाइस चुपके चुपके छुपके सन गॉड के ऊपर जाएंगे कुछ करते हैं ओए फ्रैंकलिन अभी मैं तुझे बताता हूँ ले मैं तुझे किसी भी हालत में सन गॉड का एलिमेंटल एग नहीं फोड़ने दूंगा हाँ चाहे कुछ भी हो जाए एलिमेंटल एग तो

मुझे तो oh, 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 तू तू हाँ, एलिमेंट लैग लेता हूँ और इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ उसके बाद तो भाई ये एलिमेंटल वॉच मेरे पास आएगी लावागोट की और मैं सारे के सारे लावागोट के सूट अनलॉक कर लूंगा और मैं दुनिया का सबसे बड़ा लावागोट बन जाऊंगा अरे गाइज अभी बताता हूँ स्पाइडरमैन के बच्चे

मैं किसी को भी अपने मुंह के अंदर नहीं आने दूंगा कोई भी मेरा एलिमेंट अलग नहीं छीन पाएगा मुझसे सन के बच्चे ये ले मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा टोनी स्टॉक मैं तुझे आखिरी वार्निंग देता हूं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा मैं oh, no. कहीं यार टोनी भाई लावा गॉड की तरह यहाँ पर सन गॉड के मुंह के अंदर ना घुस जाए और भाई अगर इसने सन गॉड के एलिमेंटल एग को मुझसे पहले ब्लास्ट कर दिया तो गाइस मेरी वॉच तो मुझसे छिन जाएगी नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए तो मुझे क्यों परेशान कर रहा टोनी भाई मैं मेरे किसी भी हालत में लावा गॉड की मैजिकल वॉच चाहिए ये ले अरे बाप रे अगर मैं किसी तरह से सन गॉड को नीचे गिरा दूँ तो यहाँ पर उसका अंडा ऑटोमेटिकली भाई उसके मुंह से बाहर आ जाएगा बट इसको मैं गिराऊँ कैसे यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है बहुत हो गया तुम सब अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम सभी ने मेरा गुस्सा बहुत ही बुरी तरह से बढ़ा दिया है

मैं बच गया ओके दोस्तों अब मुझे किसी भी हालत में सर्णगौट को नीचे गिराना पड़ेगा वैसे क्यों ना गाइस मैं अपनी वॉच का जो एक सूट है उसमें लावा गॉड का मैं उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाऊं हाँ गाय ऐसा ही करते हैं फाइनली गाइस देखिए मैं भी लावा गॉड में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ अब मैं काम करता हूँ

मेरे बॉडी की गर्मी बढ़ती जा रही है मुझे इस आग को बुझाना पड़ेगा किसी भी हालत में लेट्स गो भाई यहाँ पर सनगॉड की बॉडी का टेंपरेचर बहुत हाई हो गया है और सनगॉड यहाँ पर बहुत ही स्पीड में उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गाइस यहाँ पर बस एक बार और गिर गया गिर गया मैं इसी समय का तो इंतजार कर रहा था अब मेरे हिसाब से गाइज जो एलिमेंटल है वो पक्का सनगॉड के मुंह से बाहर आ जाएगा और गाइज हमें एलिमेंटल को सबसे पहले उसे फोड़ना पड़ेगा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जिससे कि लावा गॉड की वॉच को मल्लोक कर पाए और यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े लावा गॉड के

वरना भाई मेरी वॉच भी छिन सकती है एक मिनट नहीं मुझसे पहले ये रेडक का बच्चा और ये ब्लैक फ्रेंड कैसे पहुंच गए ओह नो 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 अवेंजर्स जल्दी उठो देखो रेडक और ब्लैक फ्रेंड लिये एलमेंटलैग फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं गाइस अगर अवेंजर्स और ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे तो भाई एलिमेंटलैग मैं फोड़ दूंगा अरे एलिमेंटलैग तो मैं फोड़ूंगा अरे फूट जा फूट फूट जा पूर जा अरे यार फूटता ही नहीं है मैं इससे फोड़ूंगा और और एलिमेंटल मैं फोड़ूंगा ब्लैक फोड़ूंगा लेकिन दूर हट जाता तो उससे वे है मेरे आसपास भी मत आना तू रेड हल्क और ये एलिमेंटल है तो मेरा है मैं इसको किसी भी हालत में फोड़ के रहूँगा अबे यार ये फूटता क्यों नहीं है इसको मैं कैसे पढ़ू मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये ले मैंने तो कितनी खतरनाक गन भी यूज़ कर ली लेकिन ये तो फूटता ही नहीं है गाइस देखिए यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकलिन ने नॉर्मल गन से लेके सुपर गन तक यूज कर ली बट एलिमेंटल एक्ट पर तो भाई असर तक नहीं पड़ रहा है एक मिनट अगर ये ऐसे नहीं फूटेगा तो कैसे फूटेगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है अरे भाई ये तुम लोगों के बस की नहीं है मेरे पास आयरन मैन की सुपर पावर्स है लो मैं इसी से इस एलिमेंट अलग को फोड़ कर दिखाऊंगा निकलो यहां से तुम सभी कैसे होगी अभी चटनी बनाता हूं मैं ये ले और आप मुझे क्यों मार रहा एलिमेंट अलग तो फोड़ना तो जाकर उसको फोड़ मुझे क्यों पीट रहा है तो अरे अरे टोनी टोनी के पास आयरन मैन की पावर है। अरे मेरे को कुछ मत कहियो वो एलिमेंट मेरा में उसको मैं फोड़ूंगा ओए फ्रैंकलिन की लावा गॉड की वॉच मैं छीनूंगा निकलो यहां से तुझे पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है फ्रैंकलिन से वो लावा गॉड की वॉच छीनने के लिए निकलो यहां से

पर टोनी अगले दो तीन घंटे तक तो मुझे परेशान नहीं करेगा वरना मैं उसकी लावा गोट के सूट को पहनकर फिर से बैंड बजाऊंगा बाकी हम एक काम करते हैं यहां पर जल्दी से इस लावागोट के लावा गोट नहीं भाई सन गॉड के एलिमेंट अलग को फोड़ते हैं मेरे हिसाब से पे काम नहीं करेगी मुझे अपनी लावा गॉड की पावर का इस्तेमाल करके ही इस एलिमेंट अलग को फोड़ना होगा क्यों ना मैं अपनी लावा फायर का अटैक करूँ और इस को भाई करने करो। मेरे हिसाब से गाइस हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है और इसका मतलब अब लावा गॉड की जो वॉच है वो भी पहले जैसे रिपेयर हो गई होगी एक काम करते हैं जल्दी से

तो मुझे यहां पर पावर चेक करनी पड़ेगी तो चलो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी सुपर फास्ट स्पीड और सुपर फास्ट जम्प चेक करते हैं तरह जंप लगा सकता हूं। और भाई यहाँ पर अपने स्पीड देखिए यहां पर भाई बुलेट ट्रेन भी इतनी स्पीड में नहीं जाती होगी जितना यहाँ पर मेरे ये खतरनाक पावर्स वाला सूट जा रहा है हम यहाँ पर इसी तरह से उस वॉच के और भी एक्सप्लोर करें और भाई क्या पता मैं यहाँ पर टाइटन

But Universe God को क्या हुआ भाई मैं यूनिवर्स गॉड को कैसे बचाऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सबसे पहले न्यूज़ चेक करते हैं। क्या चल रहा है पूरी तरह से ठान लिया कि वो यूनिवर्स गॉड को मिटा के रहेगा अगर यूनिवर्स गॉड गया तो हमारी धरती के साथ हमारा पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का यूनिवर्स बर्बाद हो जाएगा कोई प्लीज यूनिवर्स गॉड को उस लड़ाई से बचाओ वरना सब कदमू

तुझे बर्बाद करने के बाद मैं तेरी सारी पावर से एक नया यूनिवर्स बनाऊंगा और इस वाले यूनिवर्स को तबाह करके सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर दूंगा नहीं यहाँ पर को को मेरी कोई जरूरत नहीं है ना ही मुझे अरे बाप रे ये क्या यहां पर मुझसे पहले कैसे पहुंच गए इनको कैसे पता भाई अरे हल्क यहां पर यूनिवर्स गॉड को बचाएगा और फ्रेंकलिन की वो छीन लगाएगा यूनिवर्स गॉड जल्दी से तू हल्क के घर चल हल्क तुझे अपने घर पे छुपा लेगा मैं कोई डरपोक नहीं जो तेरे घर पे जाके छुपू मैं इस रेड गॉड से नहीं डरता मैं रेड को यही बात कर दूंगा अगर मेरी मदद ही करनी है तो इससे लड़ने में मेरी मदद करो अरे हल्क की लड़े हल्क तो उल्टा तुझे ही पीट के अपने साथ ले जाएगा और तुझे बचा के फ्रैंकलिन की लावा गॉड की वॉच को छीन लेगा एक मिनट भाई इन सबको कैसे पता चला कि अगर ये यूनिवर्स गॉड को बचाएंगे तो भाई इन्हें लावा गॉड का सूट भी मिलेगा और मेरी वॉच ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है और गाइस देखिए यार हल्क पागल है क्या ये तो उल्टा भाई हमारे यूनिवर्स गॉड को पीट के अपने घर पे छुपाना चाह रहा है, जबकि यूनिवर्स गॉड कोई डरपोक गॉड थोड़ी है ये तो यहाँ पर खुद इस से तो तुझे तबाह कर देंगे बेवकूफ नहीं हूँ मैं तबाह करके और फ्रेंकलिन तेरी ये वॉच छीन लूंगा उसके बाद यूनिवर्स गॉड बच जाएगा और हम बन जाएंगे लव गॉड अरे बापरे लगता है भाई तुम और यहाँ पर पूरे मूड में आ गया है भाई यूनिवर्स गॉड को बचाने के बिल्कुल सही कहो हम यहाँ पर सबसे पहले तुझे पीटेंगे तेरी वो वॉच छीनने के के लिए लिए और लावा गॉड गॉड का सूट अनलॉक करने के लिए। हम सन की बैंड बजा देंगे नहीं नहीं गाइस ये क्या भाई तू गाय इस रेड गॉड को पीट रहा है कि मेरी बैंड बजा रहा है यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई अरे बापरे नहीं ये तो भाई साहब रेड्स एंड गॉड को अगर हरा दिया तो यूनिवर्स गॉड को बचा लेगा और मैं यहाँ पर टास्क कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा नहीं गाइस किसी भी हालत में रेड गॉड को मुझे डिफीट करना होगा उड़े कसम हम अपनी बिजली से तेरे को बर्बाद कर देंगे <laughs> यहां पर कोई गॉड मुझे नहीं हरा सकता

मैं एक काम करता हूँ जल्दी से यहाँ पर अपनी वॉच का इस्तेमाल करके कोई बढ़िया से गॉड का सूट गॉड वाला सूट पहनता हूँ लावा गॉड का हाँ गाइज हमारे पास अभी जो हमारा लेटेस्ट लावा गॉड का सूट अनलॉक हुआ था हम उसी को पहनेंगे रे बा हम तो इस रेस्टन गॉड को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पा रहे अरे हैं ये क्या ये तो यूनिवर्स गॉड को मार देगा हाँ हा हा, यूनिवर्स गॉड मरने के लिए तैयार हो जाओ अरे नहीं मेरी आंखें मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कोई मुझे बचाओ अगर मैं मर गया तो पूरा यूनिवर्स तो पहुंच जाएगा ओ नो 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 मैंने सूट तो फाइनली पहन लिया कहा चलो जल्दी चलते हैं

बोला मैं तुझे देख लूंगा फ्रैंकलिन बर्बाद कर दूंगा तुझे ओके okay, गाइस देखते हैं यूनिवर्स गॉड ठीक है यानी अरे बाप रे एक मिनट है यूनिवर्स गॉड कहाँ पर जा रहा है ऑल right भाई यूनिवर्स गॉड को मैंने बचा लिया यूनिवर्स गॉड तू मेरे साथ चल अरे मुझे कहाँ लेकर जा रहा है एक मिनट तो गॉड को तो मैंने डिफीट किया है और ये टोनी स्टॉक यहां पर टास्क कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्स गॉड को जबरदस्ती बचा के ले जा रहा है ऐसा तो कुछ नहीं चाहिए टोनी के बच्चे तू तो पर यूनिवर्स गॉड को मुझसे छीन के नहीं जा सकता यूनिवर्स गॉड को मैंने बचाया अरे मैंने बचाया फ्रैंकलिन तू ने रेड्स एंड गॉड को हराया है टास्क में था कि यूनिवर्स गॉड को बचाओ ना कि रेड्स एंड गॉड को हराओ अरे तो लेकिन रेड्स एंड गॉड को हरा कर ही बचाना था काइज एक मिनट मैं काम करता हूँ जल्दी से अपनी ह्यूमन फॉर्म में जाता हूँ कहीं मेरी वॉच छिन ना गई हो एक मिनट वॉच तो टोनी के हाथों में नहीं है निकल यहाँ से टोनी के बच्चे वॉच अभी भी मेरे पास है कोई बात नहीं है थोड़ी देर में मेरे पास आ जाएगी गाइस देखते हैं

Guys, एक मिनट लावा गोड ने तो हमारी मदद की थी इस वॉच को लेने में और अब हमें लावा गोड को डिफीट करना पड़ेगा मुझे कुछ समझ नहीं आया यार ये को ये वॉच अपने ही बॉस को क्यों मरवाने की बातें कर रही है गाइस मैं लावा गोड को कैसे हराऊं भाई लावा गोड ने मेरा कुछ बिगाड़ा थोड़ी है एक मिनट व्हाट लावा गोट यहाँ क्या कर रहा है फ्रैंकलिन तूने बहुत ज्यादा मेरी वॉच को यूज कर लिया अब ये वॉच मुझे दे दे वरना मैं तुझे और तेरी फैमिली को मार दूंगा व्हाट लावा गॉड ये कैसी बातें कर रहा है भाई ये वॉच मैंने अपनी मेहनत से अनलॉक किए भाई सारे सूट। अब मैं तुझे नहीं दूंगा ये एक मिनट कोई समझ गया लावा गॉड के इरादे शुरुआत से ही मुझसे वॉच छीनने के थे पर मैंने ध्यान नहीं दिया था तो अभी इस वॉच में डिफीट लावा गॉड का टास्क है निकल जाए यहां से फ्रेंकली मैं इस वॉच को हमेशा से अपने पास ही लेने वाला था मैं तो बस इंसानों का यूज कर रहा था जिससे कि यहां पर तू इस सारी वॉच को अनलॉक कर ले और मैं इस वॉच को लास्ट में लेकर दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन थ्री एडेड गॉड बन जाऊं इसलिए वॉच मुझे दे दे लावा लावाकोट के बच्चे तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं का आइडिया हम एक काम करते हैं अपना सबसे बेस्ट लावा लावाकोट का सूट पहनते हैं एक काम करता हूँ जल्दी से मैं अपनी वॉच में जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ वॉच पर पहनता हूँ भाई अपना खतरनाक वाला सूट ऑल राइट गाइज अब इससे पहले कि लावा लावागोट यहाँ पर मेरे से मेरी वॉच छीन ले और भाई मेरे सूट को डिफीट कर दे मैं इस लावा लावागोट की उससे पहले बैंड बजा दूंगा और है नहीं फ्रेंकलिन ये क्या कर दिया तूे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैंने तुझे ये वॉच दिलाई थी नहीं भाई मैंने अपनी मेहनत से इस वॉच को लिया था और फाइनली गाइज हमने यहाँ पर लावा कोड को होड़ा दिया मेरे हिसाब से अब की मैंने लावा कोड को होड़ा दिया है तो गाइस अब समय आ गया है अपनी वॉच के फाइनल सूट को अनलॉक होते हुए देखने का अब तो मजा ही आ जाएगा भाई चलो गाइस जल्दी जाते हैं और देखते हैं हमारी वॉच का फाइनल सूट कैसा है ऑल right, ये तो थ्री हेडेड